पलवल में मंदी से तरस मेन बाजार में दुकानदारों के पास अफसर बनकर एक टीम द्वारा हजारों रुपए की उगाही करने वाले चार लोगों को शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने दो दुकानदारों को चालान का भय दिखाकर 8,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने पीड़ित दुकानदारों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुकानदार शिवशंकर और परवीन ने बताया कि गत 26 अक्टूबर की दोपहर को चार व्यक्ति उनकी दुकान पर आए और अपने आप को फूड सप्लाई विभाग का अधिकारी बताते हुए खाद्य पदार्थों का सैंपल भरने लगे। उक्त लोगों ने कहा कि तुम्हारा लाखों का चालान किया जाएगा। आरोपियों ने दुकानदार शिवशंकर से 1,000 व परवीन से 5,000 रुपए लिए। इसी तरह चारों व्यक्ति कई और दुकानों पर गए और वसूली करने लगे। पीड़ित दुकानदारों ने मामले की जानकारी विधायक दीपक मंगला को दी। विधायक द्वारा मामला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत को संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को काबू कर लिया गया। दुकान में अंदर घुस गई, माल वाल देखने लगे, ये कहने लगे ये क्या है, ये माल सामान निकाल लिया उन्होंने। उसके बाद कहने लगे इसका बिल दे दो जी। बिल देने बाद कहने लगे ये एक्सपायर होने वाला है, फलानी बात है वो बात है। इस चक्कर में वो कहने लगे इस पे पेनल्टी पड़ेगी, फलानी बात है। कितना पैसे लेके थे आप? 3,000 रुपये जी। दुकानदारों ने एक लिखित दरखास्त दी और वो चार आदमियों को पेश किया, जो पूछताछ की गई, जो नकली फर्जी फूड सप्लाई बनकर अधिकारी बनकर दुकानदारों से पैसे ऐंठ रहे थे, यानी कि 8,000 प्लस 3,000 बस 30,000 नहीं, उनकी रिकवरी की जा रही है, तफ्तीश जारी है, आगे मुंबई आएगी। पुलिस जांच अधिकारी सुरेंद्र ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी इससे पूर्व 16 अक्टूबर को भी इसी तरह एक दुकानदार से 1,000 रुपए ले गए थे। वहीं आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है। पलवल से वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।